खबर पौड़ी से है, जहां साइबर सेल ने गलत खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 7 जुलाई को आवेदक दिव्यम बिष्ट ने NEFT RTGS के माध्यम से अपने दोस्त के खाते में 19 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी, जो कि गलती से अज्ञात व्यक्ति के खाते में चली गई। मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने साइबर सेल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आवेदक के खाते में राशि वापस प्राप्त पहुंच गई है। पौड़ी से मुकेश बछे की रिपोर्ट। यह पता लगाया गया कि यह धनराशि बैंक ऑफ इंडिया नामक कोई किसी खाते में रांची में ट्रांसफर की गई है। फिर प्रतिपक्षी ने बैंक ऑफ इंडिया से यह धनराशि HDFC बैंक में ट्रांसफर कर दी। इस पर साइबर सेल द्वारा संबंधित बैंक के नोडल अधिकारियों से बात की गई, बैंक खाते होल्ड कराए गए और संपूर्ण धनराशि दिव्यम बिष्ट को के खाते में वापस कराई गई।